बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, राजा मनीर खान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अरुण धनोली। आज बात करेंगे महंगाई के ऊपर। महंगाई में सबसे ज्यादा हुकूमत की तरफ से तो महंगाई की गई है, ये बिल्कुल हकीकत है, मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर है। शहर में किसी शॉप पर जाए, किसी कोई चीज़ भी आपने लेनी हो तो उसके जो कीमतें हैं वो पुरानी ऊपर कांटे लगाकर नए रेट लिखे गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने महंगाई तो कर दी है, मैं इसमें तो कोई शक नहीं है। गरीब आदमी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। उसके साथ बड़ी बात यह है कि खुद साख्ता इजाफा जो है, होटल मालकान को देखें उन्होंने कर लिया है, शॉपकीपरों को देखें उन्होंने कर लिया है, दीगर अशिया कोई भी उठा लें, सब्जी फ्रूट तक जो है वो एक इतना ज्यादा महंगाई कर दी गई है कि जो गरीब आदमी है या आम आदमी है या शहरी कोई भी है उसकी सख्त से बाहर हो चीजें। असल में पेट्रोलियम मसनियात की जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उससे ऑटोमेटिकली महंगाई में इजाफा हो जाता है। दूसरी तरफ से हमारी जो सूबाई वफाकी गवर्नमेंट है उसने 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए हैं और वो सारे का सारा बोझ जो है वहां पे आ गया है। अब यहां अगर हम आके देखें कि वो अभी अनाउंस हुआ है, यहां ताजरों ने उसकी कीमतों में साख्ता इजाफा, बात चीजें जो मार्केट में मिल ही नहीं रही, बात मिल भी नहीं रही है और उन्होंने खुद साख्ता इजाफा कर दिया है उसी रेटों पे जो है उन्होंने से दूसरी चिटें लगा दी है। नेट रेटों की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतजामिया हमारी जो है उसका कोई रोल मैं समझता हूँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो जो राजा मनीर खान साहब ये जिला में तकरीबन 12 से 14 इदारे हैं चेक करने वाले सिर्फ, बिल्कुल जिसमें मुख्तलिफ कमिश्नर हो गए, डीसी ऑफिस के डीसी ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है, इसी तरह फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, सेफ्टी अथॉरिटी कंज्यूमर है, कंज्यूमर लेबर है, लेबर है, इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ ये कंटोनमेंट के इदारे हैं, जो आपके नहीं सेहत वाले आ रहे हैं जी बिल्कुल वो भी चेक कर रहे हैं। ये सारा कुछ चेक करने के बावजूद मुझे बताएं कि अवाम को क्या मिल रहा है, अवाम को क्या कोई रिलीफ है? नहीं है, बिल्कुल जीरो। वो अपना हिस्सा लेकर खामोश जाते हैं। हर बंदा अब अपने ऐसे के चक्कर में पड़ा हुआ है, महंगाई इसका हद तक पहुंच चुकी है कि आम आदमी जो है उसकी जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। सफेदपोश लोग जो है वो मुकम्मल खत्म हो चुके हैं, तौर पे खत्म हो गए, मजदूर खत्म हो गया, सफेदपोश खत्म हो गया, गरीब शहरी खत्म हो गया और यहाँ सिर्फ सरमायेदारी है। अच्छा अब देखे ना, यहाँ बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब महंगाई होती है तो जो सरमायेदार है जिन्होंने गोदाम अपने भरे होते हैं वो रातों रात अरबपति करोड़पति बन जाते हैं, उनकी कीमतें वो माफिया जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसी कीमतों पे जो है ना वो ऊपर से मिटा के नई कीमतें अपनी मनमानी की। रमजान भी आ रहा है, रमजान भी आ रहा है, इसमें मजीद भी महंगाई जो है वो मतवक्को सहरा जी। अभी जो टैक्स लग के आ रहे हैं वो चीजें तो अभी मार्केट में नहीं आई है, वो मार्केट में आएंगी तो उनकी कीमतें वो अब कहां जाएंगी? हुकूमत कह रही है कि शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी मैं इस मुल्क के कर्जे खत्म करूंगा और गरीब आवाम के हालात जिंदगी बेहतर करूंगा। अब वो मरकज के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान है। देखिए वजीर आजम के कपड़े जो है ना जी वो चंद लाख में बिक सकते हैं तो वहां पाकिस्तान पे जो मकरूज हो चुका है वो 51 अरब रुपए का मकरूज है, तो वो चीजें जो कपड़े पे नहीं हो सकती उसके लिए इनको बेहतर जो है ना गुड गवर्नेंस और बेहतर हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, मुल्क से करप्शन खत्म करनी पड़ेगी, मुल्क में जो ये जो माफिया बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे ये पॉलिटिशियंस जितने हैं, भी वज़रा हैं, ये वज़रा हैं, ये अपनी मराहत खत्म करें ना, ये अपना पेट्रोल खत्म करें ना जी। राजा मनीर साहब खत्म करने से गवर्नमेंट के खजाने में, राजा मनीर साहब जिस वक्त बात करते हैं हमारे आवाम भी बात करते हैं, तुर्की की मिसाल देते हैं कि रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि हम जो मैं अपने एहसासे हैं उन्हें फरोग करूंगा, जो आलिया वहां एक आफत आई, एक जलजला आया तो उसमें हमारे मुल्क के ये जितने वजीर मशीर वजीर आजम जितने हैं ये नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते जी, ये इस मुल्क को लूट के खाने वाले ये लोग हैं। जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, यह हमारी जुडिशरी है, यह हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इस मुल्क को तो इन्होंने लूटा है। गरीब आदमी ने तो हमेशा कुर्बानी दी है, गरीब आदमी ने तो हमेशा पिसा है। गरीब आदमी जो है मैं तो यह कहूंगा कि यह गरीब का भी इलाज है कि आज उन्होंने प्रैक्टिकल ये किया कि पिछली हुकूमत ने महंगाई करते गए और कोई लोग नहीं निकले,
उसके लिए जो उस वक्त की मजहबी जमातें थी, मौलाना फजल रहमान साहब थे, ये दूरी दी, उन्होंने तो बड़ी रैली निकाली, लॉन्ग मार्च कर रहे थे और सारी इसी तरह मुस्लिम लीग अब वो कुछ के अंदर है, अब वो हुकूमत के अंदर है, अब उनको वो मराद मिल रही है, अब वो याशियां कर रहे हैं, अब उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही है। उस वक्त अगर महंगाई जो बड़ी थी उस वक्त चले फिर भी महंगे उस वक्त के हिसाब से महंगाई ज्यादा थी, अब कहाँ पहुंच गए हैं, अब तो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, पेट्रोल जो है उसके डबल हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी, इसी तरह आपकी आटा दालें चावल, अब आपका जो चावल है कम से कम वो 200 रुपए से ऊपर है। अब मुझे बताएं कि गरीब आदमी क्या खाएगा जो 1000-1200 की दिहाड़ी वाला। राजेश साहब, इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए कौन इसको ठीक करे? इसको देखें जी, अल्लाह हमारी मदद करे, और इसमें मैं समझता हूँ हमारी अवाम ही कसूरवार है कि हमारी देखिए अवाम बाहर नहीं निकल रही है जब तक आप अपने हक के लिए। राय साहब, अवाम कैसे बाहर निकले? आपके पास जुडिशरी है, जस्टिस है, आपके पास वो इंसाफ करने वाले लोग हैं, नोटिस लेने वाले लोग हैं। 130वें नंबर पे हैं दुनिया में इंसाफ देने में, तो आपकी जुडिशरी तो फिर सियासी केस सुन रही है, उनको तो अवाम से कोई गरज नहीं, अवाम के केस कौन से सुन रही है? कई कई सालों से उनके केस इल्तवा के शिकार है, अदालतों में पड़े हुए हैं, वो सिर्फ सियासी के केस सुन रहे हैं, सियासी केसों पे वो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि वो टेलीविजनों की जीनत बने रहे, अखबार बेहतर नहीं है, पुराना काजियों वाला निजाम इनको खत्म, अल्लाह करे हम पे अल्लाह इस्लामी कानून लाए और वो काजियों वाला आए, इन लोगों मस्जिदों के अंदर बैठ कर फैसले देखें, मस्जिदों के अंदर बैठ गए जो आपके जो अखराजात हो रहे हैं उनपे, कम से कम वो अखराजात तो नहीं होंगे। बिल्कुल देखें, जो इस वक्त हमारे जो अब हमारे जो वजीर जफर वजीरों की जफर मोज मोज बनी हुई है उसमें, ठीक है उसमें जो जितने मशीर हैं वो उनकी जो तादाद है वो तनुमरात वगैरह कोई नहीं ले रहे हैं, वो मुफ्त में कर रहे हैं, तो अगर जो वज़रा हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उनकी जो पेट्रोल के खर्चात जो भी है, देखें मशीर भी जो होगा, मैं तो समझता हूँ कि ये जो दब है ये मैं अगर तनख्वाह नहीं लेते होंगे लेकिन वो जो पेट्रोल और दीगर जो मरात है वो तो जरूर लेते होंगे, तो वो भी बहुत बड़ा बर्डन है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम की तरफ देखे, गरीब आवाम का ख्याल करे, इनकी बदुआएं न ले। क्या आप ये नहीं समझते कि 1973 क्या है, इनको असली हालत में बहाल किया जाए? जी वो बहाल होगा तो यहाँ तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे आइन और कानून को मानता कोई नहीं है, आइन और कानून कहाँ है यहाँ, तो वो मोम का नाक वाली बात है, उसको जहां से जहां उसको घुमाते हैं, जहां उसको फेड करना चाहें वहां से वो कोई एक आध छोटी मोटी शेक जो है वो निकाल के उस पर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं जहां उनके मफादात होते हैं, जहां उनके मफादात ना हो तो उनको कोई आइन नजर नहीं आता। शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना राजा मुनीर खान की ज़बानी, बहुत सी बातें जिसमें महंगाई के जो लवाजमात हैं, महंगाई कैसे है, किस वजह से है और क्यों है। मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से, क्योंकि जिस वक्त तक इंसाफ सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, उसकी अपनी हदूद को यूँ ठीक नहीं होगी, आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा, तो फिर ये हालात आएंगे। जिस तरीके से हमारा 129वां नंबर पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस के अंदर है, तो बाकी इदारों का हाल आप खुद समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1973 के आइन को अपनी असली जो हालत है उसकी, उस हालत में बहाल किया जाए, ताकि ये मुल्क के अंदर अनारकी मसाइल, इदारों का ना काम करना, तनख्वाहदार मुलाजम रिश्वत के बगैर काम ना करना, उनकी सरकौबी हो सके, उनकी हौसले शिकनी हो सके। बार बार यही आती है बात जिस वक्त भी कि अवाम बाहर निकले, अवाम कहाँ बाहर निकले, अवाम का कसूर आकर क्या है जिसके ऊपर इतना महंगाई का बोझ जो है वो डाल दिया गया है। जो भी आता है तिफले तसलियां, अब 12 जमातों का ये चूरन मंजन जो है ये अवाम के ऊपर इकतदार कर रहा है। इससे पहले एक जो नया खिलाड़ी था उसने इकतदार किया, जिसने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, अब ये आ गए हैं, ये भी मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे। दूसरा आएगा वो कहेगा कि इन्होंने किया है, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले एक दूसरे को कब तक ये कोसते रहेंगे, कब तक अपने बैंकों को ये खाली करके अवाम के लिए नहीं खोलेंगे, तो कब तक ये कैसे चलेगा। तो फिर मिलते हैं नाज़रीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।